तारकेश जी महाराज ये काम करते थे, सफाई करने सफाई जाते थे आपके दरवाजे पे, रात को सफाई कर लेते थे और सुबह जाते थे, कहते थे आपने बहुत बढ़िया सफाई की है दरवाजे पे, जिसकी वजह से लोग कुछ जागरूक हुए, कहने लगे हमने सफाई की नहीं और हमको जबरदस्ती जो है सफाई करने का जो है, हमारे समाज को जगाने वाले लोग हैं, हमारे समाज के महापुरुष हैं, तो हम इनकी जयंती भी मनाते हैं, इनकी पुण्यतिथि भी मनाते हैं। साथियों हमारे हमारे उसी के बगल में हम लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जो है फोटो लगाया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कौन व्यक्ति थे, ये दूसरे की बिजली की रोशनी में पढ़ के इस देश के राष्ट्रपति से लेके डिजाइन मैन बने, और हमारे पास सारे संसाधन है, आज घर में लाइट है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, लेकिन आज हम अपने बच्चे को हाई स्कूल इंटर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इसके दोषी हम और आप खुद हैं, क्योंकि हमारे पास अपने बच्चे के पास बैठने के लिए समय नहीं है, अपने बच्चे के विचार सुनने के लिए समय नहीं है, और अपने बच्चे को सिर्फ हम सिर्फ सबसे आगे देखना चाहते हैं, लेकिन आगे कब देखोगे, अगर आप उसको शिक्षा से आगे नहीं कर पा रहे हो, उसको सामाजिक ज्ञान से आगे नहीं कर पा रहे हो, तो पढ़ा लिखा गाँव में देखा होगा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिससे लोग नमस्कार नहीं करते हैं, क्यों करे भाई, आपने पढ़ा लिए पढ़ा लेकिन आपने समाज के लिए एक एक घंटे का समय नहीं दिया, तो समाज आपसे क्यों नमस्कार करे, किस लिए करे। साथियों समाज में शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा से ज्यादा संस्कार की जरूरत है, हमें अपनों का सम्मान करना चाहिए, और हमारे लोगों से हम लोगों से यही निवेदन करते रहते हैं कि आप एक रोटी कम खाइए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित जरूर कर लीजिए, जिस दिन हमारे समाज के लोग पूर्णतया शिक्षित हो गए, जिस दिन हमारे समाज के लोग पूर्णतया शिक्षित हो गए, उनको किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सोचिए डॉक्टर कलाम साहब अगर शिक्षित नहीं होते तो क्या इस देश के मिसाइल मैन बनते, क्या इस देश के राष्ट्रपति बनते, जिसकी जरूरत होगी वो तुमको पूछेगा, लेकिन उसके लिए हमें अपनी योग्यता की जरूरत होनी चाहिए, हमें किसी जाति ऊंच नीच भेदभाव हमसे इससे मतलब नहीं है, ना ही इस विचारधारा को हमको मानना चाहिए, समाज में जो शिक्षित है और जो शिक्षित बनके आगे निकल गया उसको उच्च स्थान मिलता है, चाहे ये मंच हो चाहे वो भाव हो। देखा होगा कि हमारे बैनर में एक वीरांगना उदला देवी जो लखनऊ के उजलियाओं की रहने वाली थी, मक्का पासी इनके हस्बैंड थे, इनके पति थे, ये ब्रिटिश शासन में एक पासी पलटन फौज थी जिसकी ये महिला कमांडर थी, और इनके पति जो थे मक्का पासी वो जेल कमांडर थे, इन लोगों का जब ब्रिटिश शासन ने हमला किया इनकी शहादत हुई, हम लोग इनका भी बलिदान दिवस मनाते हैं, और अभी 16 नवंबर को हम लोगों ने इनका भी बलिदान दिवस मनाया। साथियों जो हमारे समाज के महापुरुष हैं, जब तक हम उन महापुरुषों के बारे में नहीं जानेंगे कि ये हमारे महापुरुष हैं, इन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए इन्होंने काम किया है, जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तब तक हम किसी से कोई बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस देश में समझाने वाले लोग कम मिलते हैं और नौजवानों को गुमराह करने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पीछे चलिए, मैं किसी को ना तो पीछे चलाने की बात करता हूँ ना किसी के आगे चलने की बात करता हूँ। साथियों समाज में शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, बाबा साहब का यही मंत्र था। साथियों अभी हमारे हमारे कुछ साथी हैं, वक्ता लोग हैं, और सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी लोग 10 बजे से यहाँ आप लोगों ने समय दिया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, हमारी जो छोटी बहनें आई हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे पुत्र पिता तुल्य जो बुजुर्ग साथी आए हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे युवा साथी आए हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों ये संगठन कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक विचारधारा है, कमजोरों को आगे बढ़ाने के लिए, कमजोरों को शिक्षा से आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बीच बीच छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसमें आप लोग हम लोगों का सहयोग दिया करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।